हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल हुसैन एंड आई एम अ फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट डे है और ये सबके लिए अपने कॉलेज का फर्स्ट डे या फिर स्कूल का फर्स्ट डे हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। सो आज मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद एग्जाम, नीट के एग्ज़ाम के बाद और उसके बाद भी बहुत टाइम वेट करने के बाद आज जाके ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। फेब्रवरी मंथ से तो क्लास स्टार्ट हो गया था बट फेब्रवरी से लेकर अभी मार्च के आज 13th है, अब तक ऑनलाइन ही चल रहा था। सो आज है ऑफलाइन क्लास तो नहीं बोलेंगे, कुछ ओरिएंटेशन सेशंस हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट होगा और आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और देखते हैं क्या क्या होता है। सो फिलहाल मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मेरा मेन जो सिटी है वहाँ से घर थोड़ा दूर है। सो मेरा कॉलेज और सिस्टर का स्कूलिंग के लिए अभी मेन सिटी पे ही हूँ और अभी बज रहा है अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock, सुबह के 9 बज रहे और अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगा, 10:30 को रिपोर्टिंग है। सो आई एम एक्साइटेड, चलो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, यू ऑल इन्जॉय दी वीडियोस, आगे देखो क्या क्या और कॉलेज में होता है, चलो। अभी मैं कॉलेज पर पहुँच चुका हूँ और ये हम लोग का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है NRS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। You can also observe the iconic yellow taxi in the streets of Kolkata, the city of joy. The college में entry करने के बाद ही सबसे पहले hospital आता है और उसके बाद हम लोग का college का जो academy building है वो last में आता है और ये right side में देख सकते हैं एक बड़ा सा pond है। So अभी चलते हैं हम लोग academy building के तरफ। ये कैंपस के अंदर एक बड़ा सा पूल है जिसके सराउंडिंग बहुत सारा बिल्डिंग्स है और ये एक वन ऑफ द काम एंड कूल प्लेस है बिकॉज देयर इज बर्ड्स चिरपिंग, विंड्स ब्लोइंग ऑल अराउंड और यहाँ पे हम लोग एक कंप्लीट नेचर का फील ले सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे एकेडमी बिल्डिंग के उधर और ये राइट साइड में ये एक कैंटीन है, ऐसे बहुत सारे हैं उनमें से ये एक कैंटीन है। ये हम लोगों का कॉलेज ग्राउंड है विथ लाइट फैसिलिटी जहाँ पे हम लोग चाहे तो रात में भी खेल सकते हैं और ये राइट साइड में जो दिख रहा है दैट इज़ आवर एकेडमी बिल्डिंग। मैं यहाँ पे सुबह के 10 बजे के आसपास पहुँचा था और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए हुए थे और जो लोग दूर से आए हुए थे वो लोग अपने साथ लगेज भी कैरी करके रखे थे बिकॉज आज हॉस्टल अलॉटमेंट का भी डेट था। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हुए थे एंड दिस इज सिस्टर निवेदिता LLT यानी द लार्ज लेक्चर थिएटर, यहीं पर हम लोग ओरिएंटेशन सेशन भी होना है। ये वही हम लोग का कॉलेज ग्राउंड है और यहाँ पे बैठने का जगह भी दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग बैठ के मैच भी देख सकते हैं। दिस इज इनसाइड द सिस्टर निवेदिता LLT और LLT का फुल फॉर्म है लार्ज लेक्चर थिएटर, यहीं पे हम लोग का ओरिएंटेशन सेशन भी होना है और आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। तो ये लेक्चर थिएटर के दूसरे साइड का व्यू है और एक मज़ेदार बात बताते हैं कि अब तक हम लोग बस व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप में ही चैट होता था, ग्रुप में ही बात होता था और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम ऑफलाइन क्लास हो रहा है तो फर्स्ट डे है, तो कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सबके साथ पहचान हो जाएगा, सबके साथ जान पहचान हो जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हैं ये एक स्टेज, ये जो स्टेज है दैट इज़ फॉर द प्रोफेसर्स एंड टीचर्स और द डेमोन्स्ट्रेटर्स। 10:30 को रिपोर्टिंग था और 11 AM से ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होना है एंड इन द मीन टाइम सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और क्यों ना हो, क्योंकि इतना दिन बाद कॉलेज जो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है। ओरिएंटेशन सेशन के बाद हम लोग सबसे पहले विजिट करने जा रहे हैं द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो लेट्स गो, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को मेनली जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा बायोकेमिस्ट्री का वो यहाँ पे होगा और प्रैक्टिकल्स जो होगा वो प्रैक्टिकल रूम में होगा। आफ्टर दिस विजिट वी मूव ऑन टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एंड दिस इज आवर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ NRS मेडिकल कॉलेज।
और ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, जहाँ पे प्रैक्टिकल से पहले यहाँ पे हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। हेमेटोलॉजी लैब है एंड इट इज़ विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। ये हेमेटोलॉजी लैब के अंदर है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी ज़्यादा सामान है नहीं, बिकॉज अभी रिसेंटली ही कॉलेज ओपन हुआ है। तो अभी दो डिपार्टमेंट को विजिट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, और ये एकेडमी बिल्डिंग के बाहर है। बाकी दो डिपार्टमेंट एकेडमी बिल्डिंग के अंदर था, और ये आप लोग देख सकते हैं, हियर इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। यू कैन सी दिस इज़ द बॉयज़ हॉस्टल ऑफ एनआरएस मेडिकल कॉलेज। और हम लोग का फाइनल विजिट जो है दैट इज टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के अंदर एक छोटा सा क्लिप है। सो फर्स्ट डे एट मेडिकल कॉलेज कुछ ऐसा ही बीता, और जिनको हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है उनका हॉस्टल में काम था। सो ओवरऑल इट वॉज क्वाइट एन एक्साइटिंग डे फॉर अस, क्योंकि आज ये पहला दिन था मेडिकल कॉलेज में। तो आफ्टर दिस अभी 15th ऑफ मार्च से हम लोगों का रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है। होपफुली द जर्नी वुड बी मेमोरेबल। मैंने आप लोगों के साथ कुछ और पिक्चर्स भी यहाँ पे शेयर किए हैं, आप वो भी चेक करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज, रिलेटिव, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल।